दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के वीकेंड के वाले एपिसोड की शूटिंग बीती रात को ही पूरी कर ली गई है और जेड हदीद जो है उनको सलमान खान ने सबसे कम वोट हासिल होने के चलते घर से बेघर कर दिया है। जी दोस्तों एविक्शन जो है वो आज यानी कि संडे एपिसोड के दौरान हमें दिखाया जाने वाला है और ऐसे में जेड हदीद ने घर के बाहर आते ही कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों उन्होंने सबसे पहले गुस्सा निकाला है जिया शंकर को लेकर, वहीं घर के बाकी कंटेस्टेंट की जमकर तारीफ की है। दरअसल दोस्तों जब जेड हदीद से ये पूछा गया कि क्या आपका जो एविक्शन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, इस पर दोस्तों जेड ने कहा कि मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक इंडियन शो में जाऊँगा और इतने दिन रुक पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एविक्शन सही हुआ है और उनको इस एविक्शन से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि वो शो के अंदर आए थे, उनको नहीं पता था कि उनको जनता इतना पसंद करेगी, इतने दिन तक वो टिक पाएंगे। उनको लगा कि वो बाहर के हैं और वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उनको इतना प्यार दिया और उन्होंने भारतीय जनता को थैंक्स भी बोला है। वहीं दोस्तों इसके बाद में उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी दोस्ती वगैरह किसके साथ रही, इस दौरान दोस्तों उन्होंने अपने भाई बताया है अविनाश को। जी हाँ दोस्तों अविनाश और फुकरा इंसान के लिए उन्होंने कहा है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है। इसके अलावा एल्विस को भी बोला है कि वो बहुत प्योर सोल है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है, फनी गाय है और सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वहीं दोस्तों पूजा भट्ट के बारे में उन्होंने बात करा कि पूजा भट्ट बहुत अच्छी है, वो घर की एक मेंटोर की तरह है, सबको पूरा घर संभालती है और मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है और उनके साथ जो दोस्ती है वो घर के बाहर भी वो निभाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों बेबिका और मनीषा को उन्होंने अपनी बहन बताया है। जी हाँ दोस्तों उन्होंने कहा कि वो मेरी सिस्टर की तरह है और बहुत अच्छा ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है दिल की। लेकिन यहाँ पर जिया शंकर को लेकर, जी हाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जिया शंकर को लेकर यहाँ पर अंग्रेज भाई यानी कि जेड हदीद ने यहाँ पर गुस्सा निकाला है। जी हाँ दोस्तों जिया को लेकर काफ़ी भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते बताती है, जहाँ उसको फ़ायदा नज़र आता है वो उसी के साथ हो लेती है। पहले हमारे ग्रुप में थी, पूजा और के साथ थी, लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं ये ग्रुप तो वीक पड़ रहा है, सामने वाले ग्रुप की तारीफ होती है बहुत ज़्यादा, तो सबको धोखा देते हुए वो फ्लिप कर गई। जी हाँ दोस्तों जिया शंकर के प्यार के बारे में खुलासा करते हुए कहा है कि जिया शंकर फुकरा इंसान के साथ यानी कि अभिषेक के साथ जो कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, वो कोई प्यार व्यार नहीं करती है, उसे पता है कि इनकी फॉलोइंग वगैरह ज़्यादा है जिसकी वजह से वो उनके चिपक रही है। बार बार वीकेंड के बार एपिसोड पर इनकी तारीफ होती है और सब लोग उनका अच्छा बताते हैं, इसलिए उनके साथ में दोस्ती की है जिया ने, जबकि जिया को प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। वहीं दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि विनर कौन बन सकता है शो का, तो दोस्तों उन्होंने बड़ा ही हैरान कर देने वाला जवाब दिया है और कहा है कि एल्विस तो अभी आया है और मुझे नहीं लगता कि एल्विस शो का विजेता बनेगा। जी हाँ दोस्तों जेड के अनुसार मनीषा रानी या फिर अभिषेक में से कोई एक को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों डिजर्विंग कंटेस्टेंट है विनर के लिए और शो के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन पूरा 100% देते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉफी मनीषा रानी या फिर अभिषेक में से किसी एक को मिलनी चाहिए, ये जेड का मानना है। फिलहाल दोस्तों क्या लगता है आपको ट्रॉफी किसे मिलेगी आपके अनुसार, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। जेड के इंटरव्यू के बारे में आपके क्या ख्याल है साथ ही साथ लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।